और बढ़ता है। तो एक बार डिसरिस्पेक्ट हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो दैट पर्सन थिंक्स कि ये तो अब लेते रहेगा, एंड जो ले रहा है वो एक और चांस देता है, एक और चांस देता है, एक और चांस देता है, और फिर वो बड़े ही प्यार से कट लेता है। जो डिसरिस्पेक्ट, वो लड़का हो या लड़की, जो डिसरिस्पेक्ट विकी अंकिता के साथ और ऐश्वर्या नील के साथ करती है, दैट इज नॉट ओके। आपको नहीं लगता कि नील ये डिसरिस्पेक्ट था? सलमान सर, वो आई थिंक गुस्से में कई बार, गुस्से में इज नॉट अलाउड, गुस्से में इज नॉट अलाउड। और गुस्से में क्या, बेडरूम में नहीं है, चलो घर के लिविंग रूम में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे बिग बॉस के सामने ये था। और क्या होता है कि इसका बिल ना बिग बॉस पे फटेगा, हम यहाँ पर आए, हमको इतने टास्क दिए गए, ऐसे सिचुएशंस ऐसे आए, अंकिता थी, विकी था, यू डिडंट सपोर्ट मी, इसलिए मुझसे ये हो गया, ये कर लिया मैंने, वगैरह 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 वगैरह। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट पहले एक अग्रेशन आता है ऐश्वर्या की तरफ से, एंड चीखना चिल्लाना टू द नेक्स्ट लेवल, और फिर मॉकिंग आता है, एंड दिस इज नॉट मी, दिस इज एवरीवन हु सी यू ऐश्वर्या इज सेइंग दिस, वीमेन आर सेइंग दिस अबाउट यू, मैन तो छोड़ो, मैन आर सेइंग दिस अबाउट विकी, वीमेन तो छोड़ो। मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए, देख लीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ये तो नहीं, 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 दैट इज फाइन, ये तो नहीं, वो मेरी वजह से हुआ, ये नहीं, मैं भी बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन अपना, चल डोंट टच मी व्हेन आई एम फाइटिंग, डोंट टच मी, यू आर द ओनली वन, डोंट ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। किस चीज पर मेरे पर चल रही थी? What is this? इसमें बता दो कि आप एक्चुअली कहना क्या चाह रही थी, और आई गेस वही करता है जिसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और वो एक्सटेंड करना चाहता है वो एंगर टेंट्रम, क्योंकि एवरीवन इज जस्ट कीपिंग क्वाइट एंड लिसनिंग, सो यू पुशिंग दैट। अगर सामने से ऐसा कोई मिल जाएगा आपको, या आप इनको उस मुकाम पर लेके जाना चाह रही हो कि ये करे, मतलब के एक्सट्रीम गुस्से में भी बाबू या बच्चे बोलता है, कितना पेशेंस आप इसका ट्राई करोगी, जो कब से कहता आ रहा है कि ये फटेगा, ये फटेगा, ये फटेगा, एक दिन ये फटेगा, लेकिन किसी और पे नहीं फटेगा, आप ही पर फटेगा, और बुरी तरह से, और कोई भी नील को ब्लेम नहीं करेगा कि जब से नील इस मंच पर आया था, उसके फेस पर, इन हिज मैनरिज्म, उसके स्वभाव में ये एग्रेशन था ही नहीं। आई डोंट नो कि आप लोग इस घर में आने से पहले आपके ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या नहीं। नील हुए हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स? होते हैं, हर कपल के बीच में होते हैं, झगड़े सब में होते हैं, यू आर राइट। सो दिस इज नॉट अबाउट टेम्पर, दिस इज अबाउट डिसरिस्पेक्ट, मैन वुमन इज डिसरिस्पेक्ट।